देशवासियों को और सभी खेल प्रेमियों को मेरी राम राम। सबसे पहले तो मैं मेरी दोस्त साक्षी मलिक ने जो बेबुनियाद आरोप मुझ पे लगाए हैं, तो मैं कहना चाहूंगी, एक कहावत है कि आंखों देखा और कानों सुने पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये कहावत जो है साक्षी बहन की बातों पे चरितार्थ होता है। और आपने देखा होगा कि जो परमिशन लेटर साक्षी बहन दिखा रही है उसके ऊपर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर नहीं है और कहीं भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। और साक्षी बहन, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप खुलकर आइए, किसी की भावनाओं के और संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जैसे बहन अपनी वीडियो में कह रही है कि हमारे ऊपर राजनीतिक आरोप लग रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेकर हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आज तक साक्षी बहन न तो किसी कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता ने उसके ऊपर बयान दिया है और न ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने अपने बचाव में बयान दिया है, बावजूद इसके कि आप उनको काउंटर करने के लिए हर आदमी को आप ही जवाब दे रही हैं। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप पहलवानों की पक्ष की बात कर रहे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आप बयान दे रही हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी, जिस तरह से आप व्यवस्था में बैठे लोगों के ऊपर सवाल कर रहे हैं, तो तब आप कहां थे जब 2012 से लगातार हरियाणा कुश्ती संघ के 10 साल तक अध्यक्ष के पद पर बैठे थे? क्या कभी आपने कभी महिला पहलवानों की सुध ली? क्या आपने उनसे कभी उनके दुख दर्द तकलीफ को जानने की कोशिश की? क्या कभी आपने इस बातों का संज्ञान लेने की कोशिश की? लेकिन साक्षी बहन जो है इस धरने को जो लीड कर रही थी, वह कांग्रेस की कठपुतली की तरह काम कर रही थी। उनका पूरा नियंत्रण जो है धरने के बैठे लोगों के ऊपर था। और एक मुहावरा और एक कहानी मुझे याद आ रहा है कि जैसे आपने सुना होगा कि जब कोई मिठाई जमीन पे गिर जाती है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है अपने बिलों से निकल आते हैं, और वही हुआ। सबने देखा और सभी ने पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी अपनी बंदूकें चलानी शुरू कर दी। और एक भारतीय होने के नाते, एक पहलवान होने के नाते मेरा भी खून खोल रहा था, लेकिन साक्षी वीडियो में ये जितनी बचकानी बातें कर रही थी, कितना भोला बनने की कोशिश कर रही थी, और अब सारा बोझ जो है वो औरों के कंधों पर डालकर खुद पाक साफ होना चाहते हैं। कितना शातिर दिमाग है साक्षी बहन आपका। खाप पंचायतों के जो चाचा ताऊ, जो मेरे भी चाचा ताऊ हैं, मुझे गर्व है कि मैं एक किसान मजदूर की बेटी हूँ, उनके विरोध में होना तो सपने में भी नहीं सोच सकती। और मैं इसी समाज का हिस्सा हूँ, और इनका इस्तेमाल करके अब इनको बोना मत करिए, यही सबसे बड़ा पाप है। हाँ बहन, यह जग जाहिर हो चुका है कि आप कांग्रेस का हिस्सा बन चुकी हो, और सबके सामने आकर क्यों नहीं बोलती? और रही बात, अगर किसी भी मेरी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं उनके साथ हूँ और साथ रहूंगी हमेशा, लेकिन उनके लिए कोई भी अगर मुझे कुर्बानी देनी पड़े तो वो भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन बहन, न्याय प्रक्रिया पर मुझे पूरा विश्वास है, और गलत को सजा मिलेगी और सच्चाई की जीत होगी, और जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो लोग राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं मुझ पे, उनको कहना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सिपाही और कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और हमेशा रहूंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।